आजादी की एक कहानी तुम भी लिख दो, कुर्बानी की एक निशानी तुम भी लिख दो। नहीं जोश की नहीं जवानी हम मिलकर लिख दे, आजादी की एक कहानी हम भी लिख दे। जी हाँ दोस्तों, हम इसीलिए बात कह रहे हैं कि देश 130 करोड़ लोगों की जन भावनाओं का ये 15 अगस्त 2021 से देश की आजादी के 75 साल के शुभारंभ पर अमृत महोत्सव मना रहा है। न जाने कितने कितने लाखों लाखों इस देश के लिए लोग काम आए, वीर गति को प्राप्त हुए। इसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं 40 लाख की लगभग 40 लाख की आबादी का राजपूत समाज जो आदि अनादि काल से शस्त्र और शास्त्र विद्या में सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा। मित्रों, 1857 से 1947 का वो दौर राजपूत समाज के हमारे संज्ञान में आए, जहां तक की बात करें हम, और भी होंगे ऐसे 8 वीर और वीरांगनाओं को हमने संजो कर लाए हैं, जिन्होंने देश की आजादी में सर्व सब कुछ लुटा दिया, देश की आजादी में वीर गति को प्राप्त हो गए और उन्होंने पूरा देश ही अपना घर समझा। मित्रों, चाहे वो लाडनू की सूरजबाई से सूरज सिंह वीरांगना बन गई, चाहे वो बाबूलाल जी राजगुरु सुमेरपुर के, चाहे विंध्याचल घाटी का शेर बापू साहेब राम सिंह जी हो, चाहे डॉक्टर देवी सिंह जी राजपुरोहित हो, चाहे क्रांतिकारी मोड़ सिंह जी राजपुरोहित हो खरवा के, चाहे बीकानेर रियासत के भैरव सिंह जी टिकाई हो, चाहे वो सिरोही की धरती से उठा एक रसोई करने वाला रसोईया श्री ताराचंद जी पुरोहित हो, उनकी अमर गाथा का, उनके किए कार्यों का राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं हम। राजपूत समाज के इन 8 वीर वीरांगनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं शुभ समय राजपूत लाइव पर और शुभ समय नेशनल लाइव पर। तो मित्रों, हमारे पुरखे, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र के समर्पण में, राष्ट्र के योगदान में, आजादी की लड़ाई में जो योगदान किया है, न भूतो न दिया है, उनको हम पूरे राष्ट्र को समर्पित करते हैं और सत सत अभिनंदन करते हैं। इस वीर वीरांगनाओं की गाथा को आप जाने, आपके सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो जाएंगे।